Sasa, so you do what we can, and then we give you permission that you can pay your sunnahs as well, inshallah ta'ala, while you pay your sunnahs remaining. अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वन ऑफ द बेस्ट जुमा नमाज इन इंग्लैंड सो फार फॉर मी। आज जो है वो समझ लें कि इंग्लैंड में मेरी जितनी मैंने आज तक जुमा की नमाज़ अदा की है, सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत जुमा की नमाज़ अभी अदा करने जा रहे हैं हम। वोसल जामिया मस्जिद गौसिया है टाउन सेंटर के साथ। ये देखिए खुली फिजा में हम आज जुमा की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह को मंजूर हुआ। और बहुत ज़्यादा मौसम जो है वो खूबसूरत है, धूप निकली हुई है, गर्मी है लेकिन साथ हवा चल रही है। और यहाँ पे जो सिस्टम है इनका बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। अभी तक मैंने इंग्लैंड में तकरीबन 4 से 5 जो सिटीज़ हैं वहाँ पर कोरोना वायरस के दौरान नमाज जुमा अदा की है, लेकिन सबसे जो प्यारा मुझे बोलने का अंदाज़, बुलाने का तरीका, बताने का तरीका, इस मॉस्क में जो लोग काम कर रहे हैं यकीन माने कि बहुत ज़्यादा वो काबिल तहसीन है। बहुत ही प्यारे अंदाज़ में आपको वो बताते हैं कि आपने कहाँ बैठना है, कैसे जाना है, मास्क कैसे पहनना है। कोई इन्फोर्समेंट नहीं करते, कोई गुस्सा नहीं करते, कोई एटीट्यूड नहीं दिखाते। बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे इनका तरीकाकार। और ये देखे खुली फिजा में आज हम जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं। All the brothers have donated a sum of 9,111 pounds, alhamdulillah. And also the cake sale which we had as well, we have raised alhamdulillah 1,266 pounds. We have Shazad Ali has donated 20 pounds to pay for his mother. Allah subhanahu wa ta'ala. मैंने सोचा ये छोटी सी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि बाकी और लोग हैं जो उनकी भी हौसला अफजाई हो सके। और सारे जो मस्जिद हैं, सारे जो लोग हैं वॉलंटियर काम करते हैं मस्जिदों में, वो भी अपने एटीट्यूड को जो है वो ऐसे ही बेहतर बनाएं, ताकि नमाजियों की जो है हौसला अफजाई हो और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आएँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी इमाम साहब जो हैं वो स्पीच दे रहे हैं, और मैंने सोचा कि 2 मिनट निकाल के आपसे बात कर लूँ। चलिए अब मैं बैठता हूँ अपनी सफ में, रश भी हो रहा है, इससे पहले कोई शाउट आउट करे तो फिर आपसे गप होगी एक नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुमा मुबारक।